करता हूँ जी। वेल सर, जैसे राजेश सर ने कहा अभी कि ये एक वेरी सिंपलिस्टिक रोमांटिक फिल्म है, एंड जब हम प्यार की बात करते हैं तो बेसिकली प्यार में होता क्या है? प्यार में आप खुशी पाते हो, प्यार में आप गम पाते हो, प्यार में आप अकेले हो जाते हो। सो जो भी जो इमोशंस होते हैं प्यार के साथ, आई थिंक हम लोगों ने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। एंड ऑफकोर्स एंड में क्या होता है और किस मुकाम तक जाके, किस लेवल तक जाके आगम दीवान सैक्रिफाइस करता है, वो तो ऑफकोर्स आपको 15 तारीख को ही पता चलेगा। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज राज, मेंबर ऑफ द प्रेस। आई टू आस्क एल्विन, व्हाट डू यू फील इज योर यूएसपी एज अ परफॉर्मर? आई गेस आई हैव टू आस्क दैट टू माय प्रोड्यूसर एंड टू माय डायरेक्टर। आई माय यूएसपी यूज्ड टू बी दैट आई एम एनआरआई, नाउ दिस फिल्म हैज चेंज्ड इट कंप्लीटली। इट्स मेबी माय यूएसपी इज That's my USP. I'm very loud. And this for Mark Shay. How do you deal failure and success in your life? Sir, I believe that struggle is a very important part of every man's life. And if you don't struggle, you will not triumph. You will not, if you don't fall, you will not know how to rise. And I believe that given the opportunity in Ishqedarriyaan from my producer, Rajesh Banga, and from my director, Mr. V.K. Prakash, I believe that struggle is very essential to define a man, and I believe that it's because of my struggle and my fight that I've come this far. Hello, maybe my USP is versatile. Because hello. She just remembered it. Prakash ji, this is Rajinder Singh from Makrana Magazine. Aapne itni khoobsurat jodi select ki hai. Iska selection kaise kiya aapne? Aur location ke bare mein bataiye. Music bada acha diya is film ka, sab kuch acha hai, love story hai. अच्छी बात है। और थोड़ा इनका सिलेक्शन के बारे में बताइए सर। लोकेशन ऑफ द फिल्म वाज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में शूट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल फिल्म बनाने का मन था, तो मैं काफ़ी जगह गया, महाक्षय को लेके, एवलिन को लेके, अपने डायरेक्टर साहब को लेके। हमको लगा कि जो छोटे टाउन है वहाँ पर आज भी असली इंडिया बसता है। कहीं ना कहीं हम लोग डेविएट हो चुके हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े शहरों में हम लोग मल्टी कल्चर में आ चुके हैं। तो हम लोगों ने हिमाचल ढूंढा, जहाँ पर आज भी नेचर की प्योरिटी थी, जहाँ पर आज भी बड़ी सच्चाई थी, तो वहाँ पर लेके गए। इन दोनों को ढूंढने के लिए, एवलिन एंड मीमो दोनों को मैं जानता था। जब ये स्टोरी मेरे पास आई तो मेरे को लगा कि एवलिन रहती जर्मनी में ज़रूर है, बट बहुत छोटे टाउन की एक लड़की है, एंड कहीं ना कहीं ये भी एक स्मॉल टाउन गर्ल थी फिल्म में, लवलिन। तो एवलिन को जब मैंने स्टोरी सुनाई तो कनेक्ट करा बहुत अच्छा इसने, मीमो ने बहुत अच्छा कनेक्ट किया। देन आई गॉट माई डायरेक्टर टू चूज, सो आई थिंक ही विल ऑल्सो आंसर दैट कि क्या इनको नजर आया, तो इन्होंने इसी पे फाइनल किया इन दोनों को। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज लाइक आई मेट मिदुंदा, एक्चुअली मिदुंदा आई हैव डन अर्लियर फिल्म विद, वर्कड विद मिदुंदा एंड आई एम वेरी क्लोज टू देयर फैमिली, एंड व्हेन दे एक्चुअली राजेश जी एंड मिदुंदा गॉट इन टच विद मी टू डायरेक्ट दिस फिल्म, सो आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आई लाइक द स्क्रिप्ट। And then, actually, Mahesh, Mimoh also, I know him from earlier time, like from Phir Kabhi time. So we all know each other, all friends. Basically, I believe that, you know, when all friends get together and make a film, it will speak more positive. And then, actually, what happened is, Evelyn came in, like, in the sense, he just, Rajesh told me, because Rajesh knows much better the industry and much better. So casting, all the credit goes to Rajesh ji, and he said Evelyn, and then I suddenly googled and I saw Evelyn, and then I spoke to her, and then I came here and we met, and then we took a call. And then actually what we did is we did almost 10 to 15 days of workshop with between both of them to get the develop the chemistry between them, and also the to make it more improvisational skill, to more acting exercises we have tried actually. So almost 10 to 15 days we did a workshop, and then we got them into the shoot. The workshop we had to do. Thank you so much, sir. Thank you. The workshop we had to do because he googled me, and all he found was Pani Pani, and he was like, Indian girl. What is workshop? We have to do a workshop. No, but one thing, what happens is actually both of them, in performance point of view, what happened is we have shot the whole cinema with two cameras. So what happens is there is no cut shots. There is no just showing a hand and telling them to look at this and emote. Basically, I left both of them just to emote each other, and we covered it, captured it with two cameras.
So then the whole emotions comes out much better, I feel. Mimo, is film ka jo title hai, wo kyon rakha gaya? Ishqedarriyaan, uske baare mein bataiye. Aur aapka character movie mein. Well, sir, character ke baare mein to main aapko bata dunga. But jo title hai, I think mere producer aapko achhi tarah se samjhayenge. Sir, title kya tha ki ishq ki rishtedari is ishqedari. कौसर मुनीर जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत खूबसूरत लिख रही हैं, वो बहुत अच्छे गाने कर रही हैं, सोनू ना संगे मरमर, इशकजादे. सो जब ये फिल्म प्लान करी तो मेरे को था कि कौसर कुछ एक अच्छा कोई टाइटल, अच्छा कोई नाम दे, एंड शी माइट गिव मी समथिंग विच इज़ डिफरेंट. सो शी केम अप विद दिस वर्ड कॉल्ड इश्केदारियाँ. तो पहले मैंने पूछा क्या मतलब हुआ, तो कहते इश्क की रिश्तेदारियाँ, बिकॉज फिल्म में इतना बड़ा सेक्रीफाइस है. एक रिलेशनशिप में दोस्त दोस्त के लिए क्या सेक्रीफाइस करता है, फादर सन के लिए क्या करता है. सो दिस इज ऑल्सो वन लेवल ऑफ रिश्तेदारी, जहां पर जब ये नाम आया तो वी ऑल लव्ड इट एंड वी कॉइंड द नेम इश्केदारियां. और कैरेक्टर के बारे में, तो मेरे कैरेक्टर का नाम है आगम दीवान. ही इज अ सेल्फ मेड मिलियनेयर. वो बिलीव करता है कि आप यू कैन ओनली राइज टू द टॉप अगर आप हार्ड वर्क करो. एंड बट जितना वो अमीर है उतना ही इज वेरी क्वाइट, बहुत ही हम्बल है, ही कीप्स टू हिमसेल्फ. और कैसे हालात उसे लवलीन से मिलवाते हैं और फिर उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, बेसिकली दैट्स द एंटायर कैरेक्टर आर्क ऑफ आगम दीवान. जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि आपको फिल्म में मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी लगातार फ्लॉप्स के बाद, तो इस फिल्म में मिलने के लिए कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी? वेल टू बी ऑनेस्ट, जब राजेश सर ये फिल्म के साथ मेरे पास आए तो आई डिसाइडेड कि मैं एक लेवल तक पहुंच गया मेरे करियर में वेर डेफिनेटली आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स, बट आई वॉन्ट टू डू द राइट फिल्म्स, आई वॉन्ट टू डू गुड फिल्म्स. एंड जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो टेक्निकल क्रू है, इट्स लाइक यू नो इम्पैकेबल, दैट इज वेरी स्ट्रांग. एंड जो कहानी थी इस फिल्म की, आई थिंक इट वॉज द सिंप्लिसिटी विच कॉट मी. एंड आई बिलीव के आज के ज़माने में जो हम लोग जैसे कहते हैं द व्हाट्सएप जनरेशन, जहाँ पर आप स्माइली भेज के या फिर एक हार्ट भेज के यू कैन प्रोक्लेम योर लव, I believe के हमारी फिल्म में वी हैव गॉन बैक टू द सिंप्लिसिटी. एंड इवन फॉर मी एज एन एक्टर, आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस फिल्म, आई वॉन्ट टू गिव दिस फिल्म अ शॉट. और फिर ऑफकोर्स वी के पी सर आए, जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए, वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक जैसे अभी आपने सुना है, शॉट इन वंडरफुल प्लेसेस. सो इट वॉज एन इंटायर पैकेज फॉर मी. एंड आई बिलीव के एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू नो स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गॉट अ कीप ऑन ट्राइंग एंड यू नो विन देयर हार्ट्स ओवर ऑल ओवर अगेन. अच्छा कर पाऊंगा बुरा कर पाऊंगा, डेफिनेटली दैट इज अप टू द फैंस एंड द ऑडियंस. बट एज एन एक्टर आई एम वेरी कंटेंटेड विद इश्केदारियाँ, बिकॉज वी के पी सर ने जैसे हम लोग को बिठा के, मुझे मोहित एवेलिन कविन सबको मिला के जो वर्कशॉप्स करवाई, जो लोकेशन में हम लोगों ने शूट किया, जो एटमोसफियर था, आई थिंक इट्स टेकन ऑन द बेस्ट इन ऑल ऑफ अस. जब आप देखेंगे फिल्म आई थिंक यू विल हाईली अग्री विद अस. प्रकाश जी, आपने मिथुन झा के साथ काम किया, मिथुन दा के साथ काम किया, मेमो के साथ काम किया, हाउ डिफरेंट दे बोथ आर इन वर्किंग स्टाइल्स एंड? नो एक्चुअली इट्स लाइक आई रेट लाइक इफ आई से इट, मिथुन दा इज अ वेरी इंटेंस एक्टर, कंप्लीटली इंटेंस, एंड दैट एक्टर विथ पार एक्सलेंस एंड एक्सपीरियंस. एंड मेमो इज एन एक्टर लाइक यू नो इम्पल्सिव, इम्प्रोवाइजेशनल स्किल ही हैज. At the same time, I'm sure that you'll see a different Mimoh in this film. I'm very sure about it. Once you see it, we worked on his look and we worked on everything. And I just thought he's an internal actor. So there is a lot of external acting and internal acting it's concerned. So I think he's more into internal performances. So we're completely getting into the character as an internal insight of the character. And what traits he have from Mithun Da? What? Traits, I mean, what common traits? I think both are, I think, different actors. Every actor is completely different. Maybe father, son, brother, but every actor has an individuality in performing. So I think he has his own style. And I think that is why we did workshop, you know, to understand, you know, how we should approach the whole thing, all that. Hello, nowadays, there's a kissing scene in every film, every Bollywood film. Is there a kissing scene in this film? No, we didn't give a chance to them because we are always jealous. Directors won't give. I won't give.